धीरे उसके मन से डर खत्म होने लगा था। उसे बात समझ आ गई कि रॉकी ये देखने की कोशिश कर रहा था कि मैं गोली चला सकती हूँ या फिर नहीं। उसके बाद दीपिका धीरे धीरे अपने आप को मजबूत बनाने लगी थी, तो देखते ही देखते उसके मन से डर बिल्कुल खत्म हो गया था। अब तो उसके मन में डर तभी आता था जब उसका कोई जानने वाला खतरे में होता था। अभी जब कुछ दिनों पहले वो रणबीर को ढूंढ नहीं पा रही थी, तब उसे काफी टाइम बाद डर महसूस हो रहा था। वो मन ही मन सोचने लगी कि कभी कभी डर लगना भी अच्छा होता है, इससे ये तो पता चलता है कि मैं भी एक इंसान हूँ। दीपिका अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी रॉकी ने उसके कान खींचते हुए कहा, अब किन ख्यालों में खोए हुए हो, जल्दी से उस लोकेशन की जानकारी मुझे दो और मेरे फोन पे भेजो। रॉकी के अचानक कान खींचने से दीपिका अपने ख्यालों से बाहर आ गई और गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी। ये देखकर रणबीर को भी गुस्सा आ गया। दीपिका के कानों को सहलाने लगा और कहा, तुम्हें तो बेवकूफ कैसे हो सकते हो, ये जानकारी तुम्हें आराम से भी मिल सकती थी, तुम आराम से भी पूछ सकते हो, उसके लिए तुम्हें ऐसे चोट पहुंचाने की क्या जरूरत है। रॉकी ने रणबीर की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, पर तभी अचानक उसने देखा कि दीपिका के गर्दन के ऊपर एक निशान बना हुआ था। उसे ये भी महसूस हुआ कि दोनों ने इस तरह के कपड़े पहने हुए थे कि कोई भी उनके गर्दन को ठीक से देख नहीं सके। वो मन ही मन सोचने लगा कि आखिर बात क्या है। वो दीपिका के बारे में इतना तो जानता था कि वो गले तक कपड़ा पहनना पसंद नहीं करती, फिर आज ऐसी कौन सी बात हो गई जिसकी वजह से उसे ये सब करना पड़ रहा है। अचानक ही उसे ये बात समझ में आ गई कि दीपिका के गले पर किस तरह के निशान थे। उसके लिए कहीं ना कहीं रणबीर जिम्मेदार था। दीपिका ने जैसे ही देखा कि रॉकी उसे और रणबीर को घूर रहा है, तो उसने रणबीर से कहा, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, रॉकी मुझे कभी भी चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। रणबीर ने धीरे से दीपिका के कानों में कहा, रबे भी वो तुम्हारे कान खींच रहा था। रॉकी ने बीच में कहा, रणबीर तुम्हें दीपिका की बातों पर ध्यान देना चाहिए। रणबीर ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर तुम दीपिका से दूर रहो तो ज्यादा अच्छा है। रॉकी ने पलट कर जवाब दिया, तुम भी इससे दूर रहो तो और ज्यादा बेहतर है। अचानक ही दोनों ने दीपिका को अपने बीच से अलग कर दिया और एक दूसरे के सामने सामने आ गए। दीपिका चुपचाप खड़े होकर दोनों की बातें सुन रही थी। इतनी बात तो पक्की थी कि दोनों दीपिका की फिक्र करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ दोनों एक दूसरे से नफरत भी करते हैं। अच्छी बात यह थी कि दोनों अभी भी सिर्फ शब्दों से लड़ रहे थे, इसलिए दीपिका के लिए ज्यादा चिंता वाली बात नहीं थी। रणबीर को रॉकी की इस बात से जलन होती थी कि जब दीपिका अपनी मुश्किल घड़ी में थी तब वो उसके साथ था, इसलिए उसे लगता है कि रॉकी के मन में दीपिका को लेकर प्यार है। वहीं दूसरी तरफ पता नहीं क्यों पर रॉकी जब भी रणबीर को दीपिका के करीब देखता था तो उसे चिंता होने लगती है। उसने ये तो देखा कि रणबीर सच में दीपिका का ख्याल रखता है, पर क्या ये बात सच है, वो किसी तरह का नाटक करने की कोशिश कर रहा है, क्या पता 7 साल पहले दीपिका के साथ जो भी कुछ हुआ था उसमें रणबीर का ही हाथ था, इसलिए वो किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। रणबीर ने गुस्से में रॉकी से कहा, मैं तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि दीपिका मेरी पत्नी है, इसे तुम हमारे बीच दखल देने की कोशिश मत करना। रॉकी ने कहा, 7 साल पहले तुम कहाँ थे जब इसके साथ बुरा बर्ताव हो रहा था। इससे पहले कि वो कुछ और कहता दीपिका ने चिल्लाकर कहा, रॉकी मुझे याद है कि हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि मैं कभी भी आपके मंगेतर की मौत के बारे में बात नहीं करूंगी, और अब 7 साल पहले की उस रात के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। फिर उसने दोनों को धक्का देकर अलग कर दिया और कहा, अगर इतना ही लड़ने का शौक है तो एक मर्द की तरह लड़ाई करो, सिर्फ बातों से झगड़ने का कोई फायदा नहीं है। तुम दोनों तो ऐसे झगड़ रहे हो जैसे एक पति पत्नी आपस में लड़ते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों में से पति और पत्नी कौन है। दीपिका की यह बात सुनते ही दोनों एक दूसरे को घूरने लगे और एक साथ कहा, ये क्या कह रही हो तुम। दीपिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं सही कह रही हूँ, अगर तुम दोनों इस तरह से लड़ाई करते रहोगे तो कोई भी यही समझेगा ना, मैं काफी टाइम से देखती आ रही हूँ, जहाँ भी देखो तुम दोनों शुरू हो जाते हो, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो क्योंकि मैं ये बात दोबारा नहीं कहने वाली हूँ। फिर उसने रणबीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम मेरे पति हो और तुम वही आदमी हो जिससे मैं प्यार करती हूँ, और मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी, इसलिए इसके अलावा तुम्हें कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। हमें कॉफी शॉप में मिले थे और आज बात यहाँ तक पहुँच गई है, हम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार रहे हैं, इतना सब कुछ रातों रात में नहीं हो जाता है ना। फिर वो रॉकी की तरफ मुड़ी और कहा कि मैं आपको भी सालों से जानती हूँ, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ, इसलिए ये रिश्ता खराब करने की कोशिश मत कीजिएगा, इसलिए तुम दोनों मुझे इस बात के लिए फोर्स मत करो कि मुझे तुम दोनों में से किसी एक को चुनना है, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता,
इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से पेश आओ। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो यहाँ से खुशी खुशी जा सकते हो। मैं अकेले ही सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। कि अगर तुम दोनों एक बच्चे की तरह बिहेव करते रहोगे तो उससे खतरा और बढ़ जाएगा। दीपिका की बात सुनकर रणबीर ने कहा, एक्सक्यूज मी, मैं बच्चे की तरह बिहेव नहीं करता हूँ, ओके? शौकी ने भी पीछे से जवाब दिया। और मैं बच्चा कब से हो गया? देखते ही देखते दोनों फिर से बहस करने लगे। इस बार तो दोनों ने एक दूसरे का हाथ भी पकड़ लिया। तभी दीपिका फिर से उन दोनों के बीच आकर कहा, अगर मैंने तुम दोनों के शरीर पर एक खरोच का निशान भी देखा ना तो ना ही मैं तुम दोनों को इस देश से बाहर निकलवा दूंगी, बल्कि तुम दोनों से कभी बात नहीं करूंगी। और अगर अभी भी तुम दोनों आपस में झगड़ना चाहते तो आगे तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर दीपिका वहां से जाने लगी। उसे वहां से जाते देख रणबीर ने पूछा, अरे तुम कहां जा रही हो? दीपिका ने कहा, मैं उस कैंप की तरफ जा रही हूँ जहाँ पर सभी लोग ठहरे हुए हैं। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर तुम दोनों मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। तुम लोग यहीं रहकर आपस में लड़ाई करते रहो। इतना कहकर दीपिका वहां से चली गई। जूली, सुमित और सूरज पहले से दीपिका का इंतजार कर रहे थे। वो जैसे ही वहां पर आई तो तीनों उठकर खड़े हो गए और कहा, गुड मॉर्निंग बॉस। दीपिका ने कहा, गुड मॉर्निंग। उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रखे थे। वो समझ गई कि कंपनी से जुड़ा कोई मामला है, इसलिए उसने कहा कि तुम लोगों के पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम है, इससे जल्दी से शुरू हो जाओ। जूली ने कहा, रमन मलिक के बेटे समीर मलिक की सेक्रेटरी बार बार हमें फ़ोन कर रही है और पूछ रही है कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी के प्रेसिडेंट हमसे कब मिलने आ रहे हैं। और सिंगापुर में ये अफवाह फैलने लगी है कि प्रेसिडेंट बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। मुझे लगता है किसी से ये जानकारी लीक हो गई है। दीपिका ने कहा, लोगों को इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह अफवाह मैंने ही फैलाई थी। अगली बार जब तुम्हारे पास कोई कॉल आता है तो तुम उनसे ये कह देना कि हमारे प्रेसिडेंट किसी भी ऐरे गहरे आदमी से नहीं मिलते, और मुझे पता है कि तुम ये कह सकते हो। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। जूली मुस्कुराने लगी और कहा, थैंक यू बॉस, मैं आप ही से काम पर लग जाती हूँ। तभी सुमित ने कुछ डॉक्यूमेंट्स दीपिका को दिए और कहा, ये मित्तल ग्रुप्स और रमन मलिक के बीच चल रहे कोर्ट केस की रिपोर्ट है मैम। इसे देखने से तो यही लगता है कि रमन मलिक ये केस हार जाएगा। अगर आप कहें तो हम उनके ऊपर दूसरा केस भी दर्ज कर सकते हैं, जिसके लिए मैं अब तक तैयारी कर रहा था। दीपिका ने कहा, नहीं नहीं, अभी उसके लिए सही टाइम नहीं आया है। पहले मैं उन लोगों को सबके सामने जलील करूंगी, फिर उनसे उनका सब कुछ छीन लूंगी। उसके बाद हम लोग ये केस दाखिल करेंगे और फिर उनकी सारी प्रॉपर्टी हमारी होगी। दीपिका की बात सुनकर सुमित मनी मन मुस्कुराने लगा। उसने कहा, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपके आदेश का इंतजार करूंगा। दीपिका ने कहा, मुझे यहाँ अभी कुछ दिनों के लिए रुकना है, इसे तुम जूली के साथ शहर के साउथ साइड में चले जाओ और मलिक खानदान के लोगों के ऊपर नजर रखना कि वो लोग क्या कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि उन्हें पता चले कि यहाँ पर क्या चल रहा है। इतना कहकर वो जूली की तरफ मुड़ी और कहा, जूली मेरा मास्क कहाँ है? जूली ने मास्क निकाल कर दीपिका को पहना दिया। तभी दीपिका ने सूरज से कहा, चलो चलते हैं। जैसे ही दीपिका सूरज के साथ बिल्डिंग के बाहर आई तो वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी थी। वो जैसे ही गाड़ी के पास पहुंची तो रणबीर दौड़कर वहां आ गया और उसके लिए दरवाजा खोलने लगा। दीपिका ने जैसे उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराने लगा और कहा, ठीक है, मैं रॉकी के साथ लड़ाई नहीं करूंगा। रॉकी भी पीछे से आ गया और कहा, मैं भी तुम्हारी बात से सहमत हूँ। दीपिका दोनों की तरफ देखने लगी और कहा, क्या तुम दोनों सच बोल रहे हो? एक बार अच्छी तरह सोच लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे दो फेवरेट लोग आपस में लड़ाई करें। तो उन्होंने हाँ में सिर हिलाकर जवाब दिया। रणबीर कार के अंदर बैठने में दीपिका की मदद करने लगा। सूरज गाड़ी चला रहा था और रॉकी उसके पकड़ में बैठ गया था, तो रणबीर दीपिका के साथ पीछे बैठ गया था। तभी रणबीर ने कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? पहले मैं तुम्हारी बात सही से सुन नहीं पाया था। दीपिका ने सूरज को गाड़ी चलाने के लिए कहा, फिर वो रणबीर की आंखों में देखने लगी और कहा, हम लोग उस कैंप में जा रहे हैं जहाँ पर बाकी लोगों को रखा गया है। पर क्यों? मैंने रमेश अंकल को ढूंढ लिया है। ये सुनकर रणबीर चौंक गया। इसके पहले कि वो कुछ कहता, दीपिका उससे उसका फोन मांगने लगी। दीपिका उसके फोन पर वो वीडियो चलाने लगी जिसे अक्षय ने कल भेजा था। फिर एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा, इस वीडियो में एक आदमी दिख रहा है जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, क्या तुम उन्हें देख रहे हो? रणबीर ने कहा, हाँ वही रमेश अंकल है। धड़कता है क्यों ये जान।
तुझसे हुआ ये जानू।